ठीक है, फिर आगे बढ़ते पल्लू। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो एक है ना, और एज्यूमिंग पोटेंशियल इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी। अगर हम ये मान लें कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को जीरो मान रहे हैं, तो फिर दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। स्टेटमेंट नंबर वन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ पोटेंशियल इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ऑप्शंस है टीटी, एफएफ, टीएफ। ये पहला वाला पहले स्टेटमेंट को बता रहा है कि ट्रू है, फॉल्स है। दूसरा वाला सेकंड को बता रहा है। तो बता क्या आएगा, रीजन के साथ बताना जो भी आंसर देना है। चलो ये सी क्यों होगा, एक्सप्लेन करो, कौन बोल रहे हैं? चलो तुम ही करो, डी बोल रहे हो तो एक्सप्लेन करो जो भी बोल रहे हो। अगर फील्ड डायरेक्शन पे डिपेंडेंट रहेगी, तो अगर कोई पॉइंट है जैसे रिंग ले लो, लेकिन फील्ड पोटेंशियल स्केलर है वो। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया भाई। एक ये रिंग ले लो, एक है ना रिंग ले ली अगर अपन ने, एक एग्जांपल दिया है इसमें, तो ये कुछ डाउट तो क्लियर कर ही देगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले लो, तो इसका जो सेंटर है पॉइंट ओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली जीरो है, पर पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू वाई आर। तो इसने एक स्टेटमेंट को तो मेरे ख्याल से क्लियर कर ही दिया। कौन सा वाला, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, इस एग्जाम्पल ने उसको वायलेट कर दिया। तो मेरे ख्याल से जो लोग सी आंसर दे रहे थे अब तो देंगे ही नहीं, अब वो सी की जगह बी पे आ जाएंगे। फिर जो लोग सी आंसर दे रहे थे वो बी पे आएंगे ही, और क्या है ना, क्योंकि पहला वाला तो फॉल्स हो गया। क्लियरली समझ में आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होना ही चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पर पोटेंशियल जीरो नहीं है इस पॉइंट पे, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो अब कौन से दो ऑप्शन बचे हमारे पास, बी और डी। हाँ, अब सेकंड वाला को बताओ। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते तुम एक तरह से। हाँ, तो पर यूनिट चार्ज बता देते, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो देती है। नहीं, बैठो अभी तुम सोच नहीं रहे हो, और बताओ। हाँ, क्या बी होगा, बताओ सेकंड वाले को एक्सप्लेन करो। हाँ, ये है एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखो। ऐसे एग्जांपल दिमाग में सोच लो तो ख़त्म हो जाती चीज़ें। हम कई बार कंप्लीट नहीं सोचते, आधा अधूरा सोचते हैं। सिंपल सा है, दो एग्जांपल ले लो, दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इनका सेंटर है मान लो सी, तो सी पे पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके कारण भी इसे ये वाला दूर फेंकेगा और ये वाला खींचेगा, समझ रहे हो? दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। पोटेंशियल एट सी इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सी। देखो क्लियर है यानी, अब जो तुम सोचे थे यहाँ पे वायलेट हो गया। अब सोचो कैसे वायलेट हो गया, बैठो। चलो दोनों ने आधा आधा आंसर दे दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है ना, ज़रूरी नहीं है कुछ भी। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर पोटेंशियल जीरो ना हो, पोटेंशियल जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, और ये तो ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल्स सोच सकते हो। हमने जो क्वेश्चंस करे ना उनको उनमें ही देखना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम सोच सकते हो। तुम ऐसे स्क्वायर पे सोच सकते हो, जैसे स्क्वायर है, चारों जगह सेम चार्ज रख दो, तब ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। पर पोटेंशियल जीरो है क्या, नहीं है, पोटेंशियल जीरो नहीं हमने निकाला हुआ है। यहीं पर अगर ऐसा कर दो तुम, क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। अब बताओ भाई, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, बताओ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। ओ पॉइंट पोटेंशियल जीरो है, ये तो क्लियर है, क्योंकि जितना इसका आएगा उतना ही इसका नेगेटिव में आएगा, इक्विडिस्टेंट है सारे, तो पोटेंशियल तो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी जीरो है, अरे स्क्वायर है ना, देखो एक डायगनल पे लाई कर रहे हैं ना, ये जितना इस तरफ फेंकेगा, ये वाला चार्ज यहाँ फेंकेगा, ये वाला चार्ज यहाँ फेंकेगा, ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही जीरो हो गए। तो अगर ये आता
कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल मे बी जीरो तो ट्रू है, मे बी जीरो में ट्रू है पर मस्ट बी जीरो में फॉल्स है. तो ऐसा हो सकता है पर जरूरी नहीं है. अब ऐसी कोई सिचुएशन बताओ जिसमें दोनों ही जीरो ना हो. लो यहीं पे ले लेते हैं, क्यू 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 माइनस क्यू. देखो इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में आएगी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो और पोटेंशियल भी जीरो नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट कर जाएंगे पर ये नहीं करेंगे. तो ना तो पोटेंशियल जीरो है यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ये अगला एग्जांपल ले लो तुम, मतलब हर कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम, सारी पॉसिबिलिटीज हैं. दोनों जीरो हैं, दोनों जीरो नहीं है, एक जीरो है. चलो इस स्क्वायर में फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और पोटेंशियल जीरो हो जाए. समझ गए, तीन कॉम्बिनेशन तो हमने बना ली. फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाओ तुम लोग. तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ. सही, कुछ भी कर दो ना, प्लस क्यू जैसे ऊपर कर दिया, माइनस क्यू नीचे कर दो. तो अब इस पॉइंट पे देखो, इन दोनों के कारण ये दोनों बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये दोनों बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी तुम्हारी, नीचे के डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेटली जीरो नहीं है, पोटेंशियल जीरो है. तो चारों कॉम्बिनेशन दिखा दिया यहाँ पे, लिख लो भैया ना, कोई डाउट हो तो पूछना. चलो ठीक है, तो मान लो देखो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होता है. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे पूरी की पूरी इस तरह से हो जाए, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में होनी चाहिए. तो क्या हो जाएगा, देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है तुम्हारा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. और तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाता है, इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही आता है. अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, मतलब वो स्पेस के साथ चेंज नहीं कर रही, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस ई वेक्टर डॉट इंटीग्रेंट डी एस वेक्टर. और इंटीग्रेंट डी एस वेक्टर क्या देगा तुमको, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, वेक्टर है ना, माइनस ई वेक्टर डॉट. तो सीधा तुम्हारा पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. अरे सेम वर्क डन वाला है यार, अगर फोर्स कांस्टेंट होता था तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर यूज करते हैं, जब कांस्टेंट नहीं होता तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यूज करते हैं. देखो लिख लिया, ठीक है. चलो अपन देखते हैं ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना, सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन, पर ये जरूरी होते हैं, यही सारी चीज़ अगर दिमाग में क्लियर होना तो क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होने लगते हैं. अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं ए से बी, मान लो अगर मैं ए से बी जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताओ है ना. जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख रहा हूं, डेल वी बिटवीन ए एंड बी है ना, इसका मतलब क्या है, वी बी माइनस वी ए, मतलब मैं ए से बी गया, अगर मैं ए से बी गया तो पोटेंशियल राइज करेगा या फॉल करेगा, फॉल करेगा. डेल वी क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव. और कितना आएगा ये भी बताओ, डेल वी आएगा कितना ए से बी जाने पे, नेगेटिव तो आ रहा है ये, तो ये समझ में आया नेगेटिव क्यों है, क्यों है नेगेटिव भाई, क्योंकि ई वैक्टर और एस वैक्टर क्या हो गए, पैरेलल. ई और ई वैक्टर एस वैक्टर पैरेलल हो गए, तो E इंटू एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो माइनस आ रहा है ना, आ गया समझ में. तो जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे डेल वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आओगे डेल वी नेगेटिव होगा, डेल वी नेगेटिव होगा मतलब पोटेंशियल फॉल करेगा, पोटेंशियल फॉल्स विद द मैक्सिमम रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखवा दूंगा ना आगे जाके, पर ये समझ में आया ठीक है. और वो वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d,
तो बताओ क्या आएगा, ये तो माइनस ई इंटू एस हो गया, ई तो ई है और एस कितना है तुम्हारा डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया सिंपली माइनस ई, ना तो ये बोलेंगे अब कितना पोटेंशियल फॉल करा, ई डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, सिंपली जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहे हो तो कितना पोटेंशियल फॉल करा ई इंटू डी, तो ये रिजल्ट को सीधे सीधे मतलब याद से होने चाहिए दिमाग में, मतलब फटाक से लिख सकें, समझ में आई ये बात, ठीक है तो इस चीज़ को लिख ही लो, इस स्टेटमेंट को ये बना लो, पहले एक नोट लिखो, पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल राइजेस व्हेन वी मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल फॉल्स विद द मैक्सिमम रेट, पोटेंशियल फॉल्स विद द मैक्सिमम रेट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी जो भी लिखवाया उसके बेसिस पे ना, फटाफट जवाब देना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये मिटा रहा हूँ पूरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर डी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो कितना पोटेंशियल फॉल होता है, ई डी, इसको दिमाग में याद रखना है ना, ठीक है। चल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है अपनी और हमेशा इस डायरेक्शन में है। अगर मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो बताओ पोटेंशियल फॉल करेगा या राइज करेगा, फॉल करेगा, नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है क्यों, क्यों, क्योंकि भाई थीटा क्या है तुम्हारा एक्यूट, तो यहाँ से तुम्हारा डेल वी क्या होता है माइनस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर विच इज माइनस ई एस कॉस थीटा, तो जीरो से 90 के बीच में कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, तो डेल वी तुम्हारा क्या आ गया, समझ में आ रहा है क्या, तो अगर जब भी तुम्हारा थीटा एक्यूट रहेगा डेल वी तुम्हारा पोटेंशियल फॉल करेगा, डेल वी नेगेटिव मतलब क्या हुआ पोटेंशियल क्या करा तुम्हारा फॉल करा, ये समझ में आ रहा है क्या। अगर मान लो तुम ऐसे जाने लगो तो थीटा क्या हो गया तुम्हारा 90 से ज़्यादा, मतलब कॉस थीटा क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो डेल वी क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल क्या करने लगेगा, ठीक है तो ये तो समझ में आ गया हमको, है ना। अगर किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल पैरेलल 30 50 किसी भी एंगल पर जा रहे हो, एक्यूट एंगल पर जा रहे हो पोटेंशियल फॉल करेगा, ऑप्टिक्स पर जा रहे हो राइज करेगा। अब सोचो जब तुम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा जा रहे हो, तो वो फॉल तो इस केस में भी कर रहा था पर इस केस में वैल्यू कितनी आई थी माइनस ई एस कॉस थीटा। अब सोचो इसका मैग्नीट्यूड अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, फॉल तो कर रहा है मुझे ये पता है पर मैक्सिमम फॉल करवाना है, ई कॉन्स्टेंट है एस कॉन्स्टेंट है, मान लो तुम 2 मीटर ही चलते हो भाई हमेशा, तुम्हें 2 मीटर चल के मैक्सिमम फॉल करवाना है पोटेंशियल, तो किस डायरेक्शन में चलें, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और वो कब होगी, तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, बोलने की जरूरत नहीं है। डेल भी तुम्हारा क्या है यहाँ पे नेगेटिव एंड मैक्सिमम फॉल हो रहा है, फॉल भी कैसा है मैक्सिमम फॉल, तो यहाँ पे डेल भी आ जाएगा तुम्हारा जो अभी अपन ने निकाला था माइनस ई इंटू एस, है ना। देखो कोई डाउट हो तो जो पॉइंट्स लिख पाए तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सारे, और किस तरह से मूव कर सकते बताओ, ऐसे मूव करवा दो अब क्या हो जाएगा भाई, क्यों थीटा कितना हो गया 90, तो कॉस थीटा कितना हो गया 0 हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 हो गया मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0, है ना। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं करता, लिखो भाई नोट भी लिख लो इसको, है ना, लिखो पोटेंशियल डज नॉट चेंज, पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स
लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिखना हैविंग सेम पोटेंशियल, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है समझ में? मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होती है उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा।